जय हिंद प्यारे दोस्तों। दिल्ली सरकार में 10वीं पास वालों के लिए बड़ी जोकोल्डन अपॉर्चुनिटी आउट हुई है दोस्तों। अगर आप दिल्ली सरकार में काम करना चाहते हैं, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में काम करने का अवसर देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि वैकेंसी नोटिस आउट हो चुका है, 10वीं पास मांगा गया है। तो आज की वीडियो दोस्तों बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, जितनी बातें एडवर्टाइज बताएंगे सारी अपनी वीडियो में कवर करेंगे। अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों ICSIL यानी कि इंटेलिजेंट कंपनी सिस्टम इंडिया लिमिटेड के द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिस आउट हो चुका है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली में आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग रहेगी, जिसमें ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिल्ली के कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, ऑल इंडिया, आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो और सभी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि दोस्तों इसमें 10वीं पास के अलावा और कुछ भी नहीं मांगा गया, बस आपके पास एक चीज होनी चाहिए, वो चीज समझेंगे। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी आउट हुई है। स्टाफ कार ड्राइवर की जो वैकेंसी है, इसमें एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो 20,019 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। बड़ी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, अप्लाई जरूर कर देना। अप्लाई करने का प्रोसेस आगे समझेंगे, उससे पहले मैं आपको बता दूं 10th पास इसमें मांगा गया है। उसके साथ-साथ आपका वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, मिनिमम 3 इयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, यानी कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है 3 साल पुराना तो सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों इसमें और भी कुछ नहीं मांगा गया, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज नहीं मांगी गई। काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हमारी प्लेस ऑफ पोस्टिंग यहीं पर रहेगी जब हमारी ज्वाइनिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं, अभी आपकी इनिशियली ज्वाइनिंग होगी डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन इसके बाद आपका ट्रांसफर भी हो सकता है भारत के, यानी कि दिल्ली सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में आपका ट्रांसफर हो सकता है, एडवर्टाइजमेंट में साथ साथ मेंशन है। इसी के साथ साथ बात करते हैं अप्लाई कैसे करना और कितने रुपए चार्जेस देने होंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको अप्लाई करने के कुछ भी नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करना है। जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, तब आपको 1,000 रुपए देने होंगे सिर्फ उस कैंडिडेट को जिसका सिलेक्शन होगा, वो होंगे दोस्तों रजिस्ट्रेशन चार्जेस। उसी के साथ साथ बात करते हैं अप्लाई कब से कब तक करना है। तो 9 सितंबर 2022 दिन में बजे लिंक ओपन हो जाएगा और 10 सितंबर 2022 तक लिंक ओपन रहेगा, यानी कि दोस्तों आपको पूरे YouTube पे सबसे पहले वीडियो यहीं देखने को मिल रही होगी, क्योंकि अभी अभी नोटिफिकेशन आउट हुआ है और वैसे ही मैंने वीडियो बना दी है। तो जल्दी जल्दी दोस्तों इसको अप्लाई कर देना। अगर आप कल का यानी कि 10 तारीख का इंतजार करोगे तो ये इसका ऐसा भी हो सकता है कि इसका जो सर्वर हो वो डाउन हो जाए और आप अप्लाई ना कर पाओ। तो जल्दी जल्दी 9 तारीख को ही आप इसको अप्लाई कर देना, दिन में 12 बजे लिंक ओपन हो जाएगा। पक्की सरकारी नौकरी नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है जो कि फर्दर एक्सटेंडेबल होता है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।